Hello students, welcome to Road to Success. In our today's video, we are going to continue the lecture series of complete course on differentiation, and this is going to be our lecture number 6, right? In lecture number 5 we have done the differentiation of inverse trigonometric function, and till now we have done a lot of things. We have done UV rule, we have done U by V rule, chain rule, we have done the tricks of solving many type of differentiation like under root problems, and we have done parametric function, we have done exponential function, we have done logarithmic function, and everything are interrelated, as you know. So we have done a lot of things in this lecture series, and today we are going to do two more things, and this is going to be our last lecture. So this is going to be a 6th lecture series, and today's lecture will be a bit larger, and in this lecture I'll be making you explain what is implicit differentiation. This is a bit different type of differentiation, and what is successive differentiation. So the second thing will be successive differentiation, and then your differentiation part will be finished. Okay, so the implicit differentiation and successive differentiation, these two topics I am going to discuss today, and it is going to be a longer topic, larger topic. So please tie your seat belts and remain seated. I will start implicit differentiation. चलिए शुरू करते हैं. तो अब तक हम लोगों ने जो भी differentiation किया वो सब explicit nature का था. अभी implicit nature का करते हैं. Explicit nature यानी कि इससे पहले हमने जो भी differentiation किया, suppose y is equal to 7x³ plus 3x² plus 2x, ये है. अब हमें इसे बोला जाता था dy by dx करो. तो क्या है कि यहाँ पे हम फंक्शन देख सकते हैं कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और x जो है वो y का फंक्शन है और x जो है वो यहाँ लिखा हुआ है. लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिले जो एक्स वाई मिक्स हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, इस तरह का अगर चीज़ हो, या फिर अगर मैं और भी इम्प्लिसिट अगर कहूँ तो सपोज एक्स क्यूब प्लस 24xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस तरह का अगर एक्स वाई मिक्स हो, तब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे इम्प्लिसिट का. ओके, हम लोग इसे इम्प्लिसिटली सॉल्व करेंगे. ओके, इसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन. चलिए एक सम से मैं आपको समझाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा. तो सम यह है कि सपोज एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 24xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 8, और आपको बोला गया डी वाई बाई डी एक्स खोज के निकालो. यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करें कैसे, राइट? ये सवाल है, डी वाई बाई डी एक्स करें कैसे, वाई को सेपरेट करें कैसे. तो इसमें क्या करना है आपको, आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, ये आपको लिखना है इतना. अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, बोथ साइड एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये सारी चीजें और यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ 8. तो यहाँ पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स ऑफ 24xy फिर डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब और ये डी वाई डी एक्स ऑफ 8. तो देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब तो जनरली जैसे होता है वैसे ही लिख देंगे हम 3x², इसमें क्या 24 कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा पहले, तो 24 बाहर चला गया और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई है. अब इसमें हम लगाएंगे यू वी रूल, ये हमारा यू होगा, ये हमारा वी होगा. और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्प्लिसिट नेचर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, जो नॉन पॉसिबल ही नहीं है. वाई को हम रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई क्यूब को. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूँ. आप इसको इन जनरल डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई क्यूब को अगर जनरली को डिफ्रेंशिएट करने बोले विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप क्या लिखोगे, आप थ्री वाई स्क्वायर लिखोगे. तो आप सिंपली यहाँ थ्री वाई स्क्वायर लिख दो और इसके पास में एक डी वाई बाई डी एक्स बैठा दो, बस. और आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली डी वाई बाई डी एक्स लिख दो और उसके साथ वाई क्यूब को विथ रिस्पेक्ट टू वाई जैसे डिफ्रेंशिएट होगा वैसे लिख दो. ये एक ट्रिक है. इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 8, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होगा.
अभी क्या हुआ यहाँ पे 3x² + 24 और यहाँ पे u बाई v रूल अप्लाई करेंगे, सॉरी u v रूल। तो पहले u कांस्टेंट है, v का डिफ्रेंशिएशन, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx ही होगा, राइट। क्योंकि इन जनरल अगर हम y को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होता है 1 और साथ में एक dy बाई dx लगा देना है, तो dy बाई dx हुआ प्लस y को कांस्टेंट रखो और x को डिफ्रेंशिएट करो, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 ही होना है, तो साथ में 1 होगा प्लस 3y² dy/dx = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो dy by dx है उसको कांस्टेंट कॉमन लेंगे, तो dy by dx को अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ध्यान से सोच के बताइए, हमारे पास बचेगा 8x + y² सिंपल 8x + y² यही बचेगा, और इसके साथ क्या रहेगा, इसके साथ x² + 8y = 0। तो क्या हो गया dy by dx हो जाएगा -x² + 8y / 8x + y² सिंपल है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, बड़ा ही सिंपल सा, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा चलिए अब हम इसमें से कुछ आपको दूसरा सम बताते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सम है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सम क्या है, सो चलिए क्वेश्चन पहले मैं लिख दूँ, क्वेश्चन है sin y = x (sin a + y). ओके, तो ये क्वेश्चन है और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि dy by dx की जो वैल्यू होगी वो होगी sin² a + y डिवाइडेड बाय sin a। तो ये है सम, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सम में आपको क्या करना है ना, आपको x को अलग कर लेना है, तो आप x अलग कर लो और लिखो sin y / sin a + y, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। फिर आप देखो क्या हो सकता है, ये x हो गया, इधर सब कुछ y हो गया, राइट। तो हम लोग इसको उल्टा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि dx/dy कर सकते हैं, तो ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, राइट। तो u by v रूल लगाएंगे लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही हमारा फंडा है इसमें, थोड़ा अलग अप्रोच है इसका, अलग अप्रोच है इसलिए मैं करा रहा हूँ इसे। तो ये हो जाएगा पहले v sin a + y और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग साइन वाई को, यहाँ ध्यान रहे आपको d/dy लिखना है, -sin y और d/dy ऑफ sin a + y, और ये तमाम चीज़ को हम डिवाइड करेंगे किससे, v² से, यानी कि sin² a + y से। तो क्या हो जाएगा dx/dy sin a + y, साइन वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे cos y -sin y, और फिर sin a + y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos a + y, और फिर नीचे जो है वो एज इट इज हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे sin² a + y sin² a + y। तो क्या हो जाएगा dx/dy, तो अब ध्यान से देखें, ये है sin x cos y - sin y cos x का फॉर्मूला। तो किसका फॉर्मूला होता है ये, sin a माइनस b का, राइट। तो हो गया sin a - b का और डिवाइडेड बाय sin² a + y। यहाँ पे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा dx/dy क्या आएगा, dx/dy विल बी sin a - sin² a + y। तो dy/dx क्या होगा, जस्ट इसे हमें उलट देना है, तो sin² a + y / sin a, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सम था मेरा, बड़ा पसंदीदा सम है ये। और एक आखिरी सम में इम्प्लिसिट में आपको दिखाना चाहता हूँ इसको, आप जिससे आपको इम्प्लिसिट का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये सम है कि इफ y = √cos x + √cos x
plus under root again cos x, इस तरह से इनफाइनाइट अगर हो तो बताइए dy by dx के साथ इन चीज का प्रूफ आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, तो इनफाइनाइट सीरीज है, तो देखिए cos x plus cos x plus cos x plus cos x, तो अगर हम इस cos x के अलावा जो पार्ट है यानी कि ये जो पार्ट है इसे अगर हम अलग कर ले, ठीक है, तो ये भी y ही कहलाएगा क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जाए, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस y, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट है इनफाइनाइट तक वो भी y ही होगा। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y। अब हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इसे आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 2y, साथ में आएगा dy by dx। इसे आप डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा माइनस साइन x, और y को डिफरेंशिएट करो तो dy by dx। अब चीज़ों को आप इधर उधर ले जाओ, यानी कि इसको उठा के मैं उधर ले जाऊंगा, इसे उठा के मैं इधर लाऊंगा, तो क्या बचेगा dy by dx प्लस सॉरी माइनस 2y dy by dx इज इक्वल टू साइन x। अब इधर हम लोग dy by dx कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 2y dy by dx इज इक्वल टू साइन x, और हमें यही प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है, इससे आपको सभी सम का आइडिया हो जाएगा, ये हमने इस एक और प्रूफ कर दिए। ओके वेल, तो ये है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसका आपको आइडिया मिल चुका होगा। अब मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा, जो हमारा बोनस पार्ट है, तो ये हमारा बोनस है। बोनस में आपको क्या मिल रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मिल रहा है, राइट, एक्स्ट्रा आपको ये मिल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोनस में ऑफर। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको बार बार डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एक बारी हो गया फिर दूसरी बारी, दूसरी बारी हो गया फिर तीसरी बारी, इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे सपोज y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x है, राइट, इसको अगर हम dy by dx करें तो क्या होगा 21x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब अगर हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि dy by dx ऑफ dy by dx कर दें, तो क्या आ जाएगा 42x प्लस 6, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अब हम अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दें दोबारा से, यानी बेसिकली इसका थर्ड टाइम, तो सिर्फ 42 होगा, और ये क्या कहलाएगा d क्यूब y by dx क्यूब। अब अगर हम d क्यूब y by dx क्यूब को डिफरेंशिएट कर दें क्या होगा 0, और क्या कहलाएगा ये d टू द पावर 4y by dx टू द पावर 4, राइट। तो इसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये nth टर्म तक हो सकता है लेकिन आपके सिलेबस में बस सेकेंड ऑर्डर तक है, इसे ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इस तरह से। तो इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है इनवर्स का, लॉग का, एक्सपोनेंट का, इम्प्लिसिट का, सेम टू सेम रहेगा, बस आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसमें जो बोनस है, इस बोनस में मैं आपको कुछ सम्स दूंगा, ओके, और वो सम्स क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये जो सम्स आप देख रहे हैं, पांच सम, ये पांच सम मैंने आप लोग के लिए स्पेशली तैयार करके रखा है, ये आपका बोनाजा है, ये आपके लिए बोनस है, एक्स्ट्रा शॉट्स है आपके लिए, ये पांच सम जो है डबल डिफरेंशिएशन के। अब इसमें जो भी सम्स है, ये सब सम्स हमारे उन सभी सम से रिलेटेड है जो हम लोगों ने अभी तक किया है। जैसे ये सम हो गया पहला वाला, इसमें देखिए आपको वो ट्रिक लगेगा रूट वाला, ये दूसरा सम जो है इन्वर्स के ऊपर बेस है, तीसरा सम जो है ये एक्सपोनेंट के ऊपर बेस है, चौथा सम जो है ये हमारा चेन रूल के ऊपर बेस्ड है, और जो फाइव सम है वो पैरामेट्रिक के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारा हिंट्स हुआ, ये हमने दे दिया आपको हिंट्स, पहला सम रूट का ट्रिक यूज करना है आपको, दूसरा सम में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है,
तीसरा सब में आपको एक्सपोनेंट वाला पार्ट यूज करना है जो मैंने बताया था, चौथे वाले में आपको चेन रूल यूज करना है, और फिफ्थ वाले में आपको पैरामेट्रिक यूज करना है। तो ये मैंने हिंट दे दिया आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये हमारा लेक्चर सीरीज यहाँ एंड हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक होमवर्क के नोट से एंड करा जाए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में कोई भी आपको होमवर्क नहीं दिया था, तो मैं ज़्यादा होमवर्क लेता नहीं हूँ, उतना स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ मैं। तो मैंने आपको लास्ट में कुछ होमवर्क दिया जो सभी पार्ट को आपको कवर करेगा, इन सभी सम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और आप लोगों को क्या करना है, ये सभी सम्स को करके आप लोगों को हमारे फेसबुक पेज पे ये सम्स के सॉल्यूशंस को पोस्ट करना है हमारे फेसबुक पेज पे, ठीक है। आपको फोटो खींच के, आपको किसी भी तरह से आप टाइप करके करें, आपको हमारे फेसबुक पेज पे इन सभी सम्स का सॉल्यूशन आपको डालना है, पोस्ट करना है। हमारा फेसबुक पेज क्या है, हमारा फेसबुक पेज वही है RTSDC सर, ये हमारे फेसबुक पेज का यूज़र नेम है, ठीक है, RTSDC सर, सब स्मॉल लेटर्स में। यानी कि अगर आप fb.com/RTSDC सर करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। अगर आप पेज नहीं खोज पा रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, उस पर आपको फेसबुक के पेज का लिंक मिल जाएगा, या आपको हमारे वेबसाइट www.roadtosuccessdcsir.com पे भी इसका सॉल्यूशन बाद में मिलेगा, आपको फेसबुक का पेज भी मिलेगा इसमें। तो आप किसी भी जरिए हमारे तक पहुंच सकते हैं फेसबुक पेज तक। और इसके बावजूद भी अगर आपको फेसबुक पेज नहीं पता चल रहा है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें 9830060368, और हम आपको फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे। आपको क्या करना है कि ये सम्स को सॉल्व करके आपको हमारे फेसबुक पेज पर डालना है, और टॉप थ्री स्टूडेंट्स जिन्होंने सभी सम्स राइट किया होगा बिना किसी मिस्टेक के, हमारे ट्रिक का प्रॉपर इस्तेमाल किया होगा, उन्हें हमारे तरफ से इनाम है, हमारे तरफ से उनको कुछ स्पेशल ऑफर्स है। हमारे क्लासेस में, लाइव क्लासेस में उन्हें चांसेस मिल सकता है पूरे एक साल क्लास करने का, और भी कई तरह के ऑफर्स है जो हम विनर डिक्लेयर करने के बाद बताएंगे, और विनर हमारे फेसबुक पेज पे डिक्लेयर होगा। और तो और हमारे वेबसाइट पे आपको इन सभी सम्स का सॉल्यूशन तब मिलेगा जब विनर डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो ये एक आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल, मैंने सोचा कि आपको एक सरप्राइज़ दिया जाए, तो ये आपका सरप्राइज़ है। तो अभी तक हमने जितना भी वीडियोस किया है, आप सभी उस वीडियोस को वापस देख लें और इसमें हिस्सा लें, इस कंपटीशन में हिस्सा लें। ये कंपटीशन आपको हमारे क्लासेस का फ्री पास दे सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मैथ्स करते रहें, सम्स करें, और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, आते रहेंगे। और लाइव क्लासेस को लेकर अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.dcsir.roadtosuccessdcsir.com, या हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं जब मर्जी तब 9830060368 पे। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज पसंद आया होगा, मैं जल्द ही दूसरे चैप्टर्स का भी लेक्चर सीरीज लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अलॉट।